हम छठी माई की महिमा की ये कथा सुनाते हैं, हम सूरज षष्ठी व्रत की महिमा तुम्हें सुनाते हैं। हम छठी माई की महिमा की ये कथा सुनाते हैं, हम सूरज षष्ठी व्रत की महिमा तुम्हें सुनाते हैं। बहुत पुरानी बात कही एक प्रियवत राजा थे, स्वयंभू मुनि के बेटे थे वे योगी राजा थे। राजा ने सोचा था जीवन में विवाह नहीं करने को, पर ब्रह्मा जी का हुक्म हुआ एक नारी को वरने को। मालिनी नाम की कन्या से राजा ने विवाह रचाया, पर फिर भाग्य का राजा ने बेटे का योग न पाया। पर फिर भाग्य का राजा ने बेटे का योग न पाया, बेटे का योग न पाया। तब कश्यप ऋषि ने उनके हित पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया, उनकी रानी को यज्ञ पुत्र चरु का भोजन करवाया, उनकी रानी को यज्ञ पुत्र चरु का भोजन करवाया, चरु का भोजन करवाया। रानी को गर्व रहा लेकिन एक बात हुई अनहोनी, 12 वर्षों तक पुत्र न जन्मा कैसी थी ये होनी। फिर जन्मा तो एक बालक लेकिन प्राण नहीं थे उसमें, बेहोश हुई रानी राजा भी रहे न अपने वश में, बेहोश हुई रानी राजा भी रहे न अपने वश में, रहे न अपने वश में। वे मरे हुए बेटे को लेकर चिता भूमि में आए, रोते थे राजा फूट फूट छाती से उसे लगाए, रोते थे राजा फूट फूट छाती से उसे लगाए, छाती से उसे लगाए। सब राजपाट वैभव विलास संसार त्यागना चाहा, दुख से व्याकुल हो राजा ने निज प्राण त्यागना चाहा। मणि के विमान पर बैठी देवी एक उसी क्षण आई, रत्नों के आभूषण पहने वो योग सिद्धि की माई, रत्नों के आभूषण पहने वो योग सिद्धि थी माई, योग सिद्धि थी माई। नीचे रखा शव बालक का और राजा ने कर जोड़े, है आप कौन ओ देवी राजा ये विनती कर बोले। देवी बोली राजन ब्रह्मा की हूँ मानस कन्या मैं, है कार्तिकेय स्वामी मेरे या हूँ स्कंद प्रिया मैं, है नाम देव सेना मेरा माता मैं जानी जाती, ले छठे अंश से जन्म प्रकृति के मैं षष्ठी कहलाती, ले छठे अंश से जन्म प्रकृति के मैं षष्ठी कहलाती, मैं षष्ठी कहलाती। संतानहीन को बेटा मैं निर्धन को धन देती हूँ, जो कर्म किया करते हैं उनको अच्छा फल देती हूँ।
मैं हर बालक को जीने का वरदान दिया करती हूँ। जो रोगी हैं उनको पल में निरोग किया करती हूँ। फिर बोली देवी राजन तुम मेरी पूजा करवाओ, लेकर मेरा वरदान अभी सुव्रत सुपुत्र तुम पाओ। वो पुत्र तुम्हारा क्षत्रिय द्वारा पूजित वर्चित होगा, वह सिंह वीर सौ अश्वमेध कर विश्व विजेता होगा। वह सिंह वीर सौ अश्वमेध कर विश्व विजेता होगा, विश्व विजेता होगा। देवी ने यह आशीष दिया, बालक ने जीवन पाया। हंसते हंसते राजा बेटे को ले महलों में आया। षष्ठी माता की पूजा की और दान दिया दोनों को। माँ के प्रसाद ने सुख वैभव और नाम दिया तीनों को। उस महिमा वाली ज्योतिमय माता की जय जय बोलो। गंगा को करो प्रणाम और माता की जय जय बोलो। गंगा को करो प्रणाम और माता की जय जय बोलो। माता की जय जय बोलो, छठी माता की जय जय बोलो। माता की जय जय बोलो, छठी माता की जय जय बोलो।